बज गए तेरे आठ? कौन से आठ? छोड़, जाने दे मुझे, सोना। राजवीर। स्टार भारत के सीरियल अजनी में राजवीर ने अपनी बीवी अजनी को दिया है वैलेंटाइंस का सरप्राइज। चारों तरफ दिल वाले गुब्बारे और गुलाब के फूल लगाकर वो अजनी को प्यार का तोहफा दे रहे हैं। हालांकि अजनी वहां पर लेट पहुंची है, जिसके चलते राजवीर नाराज भी हुए, लेकिन अजनी ने सच बता दिया और फिर दोनों के बीच शुरू हो गया प्यार का सिलसिला। सॉरी राजवीर, ये क्या है? मुझे पता है कि तूने सुंदरी को मेरी बाहों में देखा और जिस वजह से तू गुस्सा हो गई, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। उसी वक्त तू आ गई। राजवीर, रिलैक्स। तुझे लगता है मैं तुझसे नाराज हूँ? नहीं है। नहीं राजवीर, वो तो एक एक्सीडेंट था ना, इसमें नाराज क्यों होना? तूने जानबूझ के थोड़ी किया है। मैं जानती हूँ कि तू सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुझे प्यार करने से पहले ना मैंने हमारे रिश्ते में इज्जत देखी थी, और वो प्यार और इज्जत की वजह से ही तो हमारे रिश्ते में विश्वास आया है। इतनी आसानी से थोड़ी ना टूटेगा। तूने तो बड़े वादे किए थे कि मैं अरविंदर से डिवोर्स लेके तुझे भारी मुआवजा मिलेगा। स्कीम का क्या हुआ तेरा? अब तक ना ये सब मैंने कर लिया होता, सब तेरी वजह से हुआ है। मेरे पूरे प्लान की ऐसी तैसी कर दी। मेरी वजह से हुआ ये सब? तू ना भूल रही है कि हम दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं, और उस अजूमी के साथ खेल खेलना बंद कर। हमें जितना जल्दी हो सके इन लोगों की तिजोरी साफ करनी है। सुंदरी, चाय ला दे, मुझे काम पे जाना है। ओए अरविंदर, मैं क्या पूछ रही हूँ, ये हुआ कैसे? मेरी क्रीम खत्म हो गई थी तो मैं इसके कमरे में गया, राजवीर के कमरे में। ये राजवीर तो था नहीं, उसकी क्रीम पड़ी थी, मैंने लगा ली। अरे मुझे क्या पता था ये कोयले की क्रीम लगाता है। ओ जी, ओ देखो, चोर चोर। कौन है वो? जल्दी चल चल। सच बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इनसे मिलने गया था जी, वो काम के लिए। चली मेरे कैंची ले गया। हाथ पकड़ दोनों। रुक जाइए पापा, इसने कुछ नहीं किया है, क्रीम में काला रंग मैंने मिलाया था। बज गए तेरे आठ? कौन से आठ? छोड़, जाने दे मुझे, सोना। राजवीर, तूने प्लान तो बहुत अच्छा बनाया, पर तू मुझे छत पे बुलाना ही भूल गया। क्या? बेड पे कार्ड रख के आया था तेरे लिए फूलों के साथ, नहीं मिला तुझे? नहीं। क्या? अरे वो सुंदरी भी ना, राजवीर सुबह सफाई अच्छे से हो नहीं पाई ना, तो वो शाम को सफाई करने आई होगी, और तभी उसने कचरे में फेंक दिया होगा। तो आंखें बंद कर चल। सॉरी राजवीर, ये क्या है? मुझे पता है कि तूने सुंदरी को मेरी बाहों में देखा और जिस वजह से तू गुस्सा हो गई, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने जानबूझ के नहीं किया। उसी वक्त तू आ गई। राजवीर, रिलैक्स। तुझे लगता है मैं तुझसे नाराज हूँ? नहीं है। नहीं राजवीर, वो तो एक एक्सीडेंट था ना, इसमें नाराज क्यों होना? तूने जानबूझ के थोड़ी किया है। मैं जानती हूँ कि तू सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता है। तुझे प्यार करने से पहले ना मैंने हमारे रिश्ते में इज्जत देखी थी, और वो प्यार और इज्जत की वजह से ही तो हमारे रिश्ते में विश्वास आया है। आसानी से थोड़ी ना टूटेगा। तूने तो बड़े वादे किए थे कि मैं अरविंदर से डिवोर्स लेके तुझे भारी मुआवजा मिलेगा। स्कीम का क्या हुआ तेरा? अब तक ना ये सब मैंने कर लिया होता, सब तेरी वजह से हुआ है। मेरे पूरे प्लान की ऐसी तैसी कर दी। मेरी वजह से हुआ ये सब? तू ना भूल रही है कि हम दोनों यहाँ पे क्यों आए हैं, और उस अजूमी के साथ खेल खेलना बंद कर। हमें जितना जल्दी हो सके इन लोगों की तिजोरी साफ करनी है। सुंदरी, चाय ला दे, मुझे काम पे जाना है। ओए अरविंदर, मैं क्या पूछ रही हूँ, ये हुआ कैसे? मेरी क्रीम खत्म हो गई थी तो मैं इसके कमरे में गया, राजवीर के कमरे में। ये राजवीर तो था नहीं, उसकी क्रीम पड़ी थी, मैंने लगा ली। अरे मुझे क्या पता था ये कोयले की क्रीम लगाता है। ओ जी।
जी, वो देखो चोर, चोर। कौन है? जल्दी चल, चल। सच बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इनसे मिलने गया था जी, वो काम के लिए। चली, मेरे कैंची लेके आ। क्योंकि हाथ पकड़ दोनों। रुक जाइए पापा, इसने कुछ नहीं किया है। क्रीम में काला रंग मैंने मिलाया था।